हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, मेरे को बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप दांतों के अंदर कैविटी के लिए कुछ बताओ, होम रेमेडी, जिससे हमारी कैविटी ना हो या कैविटी हो गई है तो वो ठीक रहे हमारा। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी लगेगी, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। पहले भी दांतों की जो वीडियो मैंने डाली थी, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, लोग बहुत प्यार देते हैं उस वीडियो को। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको अच्छे रिजल्ट देगी और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर रिजल्ट अच्छे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने एक खाली बाउल ले लिया है, ये मैंने चीनी का बाउल लिया, यानी कांच का बाउल है। इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी क्रीम, ये मैंने आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है। आधा चम्मच हल्दी के अंदर फ्रेंड्स हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स लौंग का तेल। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने लौंग का तेल डालना है, ये लौंग का तेल है, ये मैं डाल रही हूँ ड्रॉप्स के हिसाब से। ये मैंने 4 ड्रॉप्स डाल दिए हैं इसके अंदर लौंग के तेल की, क्योंकि लौंग का तेल जो होता है ना, वो दर्द को एकदम से खींच देता और कैविटी होने नहीं देता। इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है, अगर आधा चम्मच हल्दी का डाला है तो आधा ही चम्मच हमने नारियल के तेल का डालना है। ये मैंने मेल्ट कर लिया, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के अंदर तेल जो है जम जाता है। और अब इसके अंदर हमने पिंच नमक डालना है, पिंच मैंने नमक डाला है, और इसको हिला लेना अच्छे से। इसको आप बना के रख भी सकते हैं, किसी भी छोटी सी कंटेनर के अंदर आप इसको बना के ऐसे रख सकते हैं। इसको आपने डेली ब्रश के साथ करना है, ये मैंने ब्रश लिया है, आपने इस तरह से ब्रश के ऊपर लेना है और ये दांतों पे आपने करना है। इसके साथ रोज आपने पेस्ट करना है, यानी आपने इसको ब्रश पे लगा के अपने दांतों पे करना है। 2 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से ब्रश करें, उसके बाद इसको कोशिश करें 1-2 मिनट अंदर लगे रहने दें। जहाँ पे कैविटी है ना, उस जगह पे ब्रश को अच्छे से लगाना है, लगा के अच्छे से इस तरह से राउंड शेप में घुमा के अच्छे से कर लेना है, और 2 मिनट के लिए उसको या 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको जैसे कुरला करते हैं ना, कुरला करते हैं, उस तरह से वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो कैविटी अगर बनी हुई है ना, तो वो आपको तकलीफ नहीं देगी। देखो, भर तो नहीं सकती इसके साथ, लेकिन वो आपको तकलीफ नहीं देगी बिल्कुल भी। और आगे जो दांत हैं आपके, ठीक वाले दांत हैं, उसके अंदर कैविटी कभी भी बनेगी नहीं, तो ये गारंटी है। लेकिन आपको ये रोज के रोज करना होगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इजी से इजी रेमेडी का फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इजी रेमेडी के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।